हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं कॉस्ट अकाउंट और आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। आज जो चैप्टर सीख रहे हैं उसका नाम है अमलगमेशन अकाउंट्स संयोजन का हिसाब। ऑलरेडी इस चैप्टर में आने वाले मेथड को समझाते हुए मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए है, फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर एक और टॉपिक को समझाइए। और मैं आज इंग्लिश की बुक यूज कर रहा हूँ क्योंकि उससे प्रीवियस मैंने गुजराती मीडियम का यूज किया था, बट मैं लिखूंगा दोनों ही मीडियम में। ऑलरेडी मैंने सम्स को सॉल्व कर दिया क्योंकि सम्स बहुत लॉन्ग होता है, तो मैं अगर प्रैक्टिकल सॉल्व करता रहूंगा तो टाइम बहुत जाएगा, इसके लिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से तो दोनों मेथड प्रैक्टिस करेंगे। जो पहली मेथड है जैसे परचेस खरीदी स्वरूप, और सेकंड जो इस चैप्टर में आती है वो है हमारा विलीनीकरण मर्जर, ठीक है। दोनों मेथड को समझाने वाला हूँ। मैं सम्स कौन सा ले रहा हूँ वो पहले ध्यान दीजिएगा। जो सम्स ले रहा उसमें आने वाले सारे टॉपिक मोस्ट ऑफ हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सेम ही पूछा गया है। तो मैं जो सम्स आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2010 का है। नाम देख लीजिएगा, सागर और सरिता करके लिखा हुआ है। ये दोनों कंपनी का न्यू कंपनी बन रही है, दोनों कंपनी को मिलाकर वो है संगम लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके जो एग्जामिनेशन दिए गए है हवाला दिए गए वही के वही आपको मिलेंगे हर एक यूनिवर्सिटी के सम्स के अंदर, इसलिए मैंने ये सम्स लेना और वहां से आपको समझा रहा। और बता दूं 2019 में भी यही सम्स आया हुआ है, ओनली इस अमाउंट को 50% मोर कर दिया गया है। मतलब क्या है 50% मोर, मतलब यहाँ पर अगर 6 लाख है तो उसका 50% 3 लाख ऐड करके 9 लाख के साथ पूछा गया है। 5 लाख है तो उसका 7,50,000 करके पूछा गया, यही सम्स 2019 का है। और यही सम्स मोस्ट ऑफ इसी टाइप से पूछा गया और यूनिवर्सिटी के अंदर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, आप मेथड पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्लियर आपको लिखा है मर्जर और परचेज, गुजराती मीडियम अपनी बुक अपने पास रखेगा, विलीनीकरण और खरीदी स्वरूप। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमको काम करना रहता है कॉमन कैलकुलेशन करना रहता है। मेथड को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी मेथड को कैलकुलेशन करने से पहले आप एक कॉमन कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके अंदर हम करते क्या है कि सारे एजम्पशन जो दिए गए सारे हवाले उसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उनकी न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। और ये हाईएस्ट है, इन तीन के अलावा और कुछ नहीं होता है। एक डिबेंचर का टॉपिक होता है, दूसरा हमारा इक्विटी का टॉपिक होता है, और तीसरा हमारा प्रेफरेंस का होता है। इन तीन के अलावा ज्यादा कोई टॉपिक होता नहीं है। और चौथा जो होता है वो रिजर्व अनामत को लेके दिया जाता है। चार टॉपिक के अंदर ये हमारा कवर हो जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर सागर और सरिता दोनों कंपनी, यहाँ पर उसके बाद न्यू कंपनी जो बन रही है उसका नाम है संगम। तो पहला डिबेंचर को लेके पूछा गया, और यही एजम्पशन मोस्ट ऑफ हर एक बार आता है। मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ, गुजराती में भी समझाऊंगा। 12% डिबेंचर ऑफ सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड, इन दोनों के जो 12% के डिबेंचर है उनको डिस्चार्ज किया गया बाय संगम लिमिटेड। संगम लिमिटेड ने डिस्चार्ज किया है, किस तरह से किया है, उसको 15% के डिबेंचर बना दिया गया। 15% के वो डिबेंचर हो गए, 100 रुपीज का एक प्राइस है। बट यहाँ मेन ट्विस्ट क्या लिखा गया, मेन कंडीशन मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। इसका मतलब हुआ कि ब्याज जूनू ब्याज जाड़वी राखवानू छे, मतलब पुराना जो इंटरेस्ट था जो ब्याज वही का वही अमाउंट इस बार भी होना चाहिए, बट परसेंट चेंज हो जाएगा, 12% की जगह 15% आपको करना है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करना है डिबेंचर का। तो सागर लिमिटेड का कैलकुलेशन मैं यहां कर रहा हूं जबकि सामने कर रहा हूं सरिता लिमिटेड का। तो देखिए सबसे पहले डिबेंचर का टॉपिक था, तो आपको पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेने का, ब्याज पुराना वाला तो कैसे निकालना है। तो डिबेंचर की अमाउंट चेक कर लीजिए, इसका कितना है, यहाँ पर डिबेंचर 50,000 का अमाउंट है, और 12% का निकाल लीजिए 50,000 के अकॉर्डिंग, तो ब्याज इंटरेस्ट कितना आया 6,000। अब उसको हम लोग न्यू परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, 15% के सामने रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप डिबेंचर कितने परसेंट के हो गए, 15% के हो गए। तो वही ब्याज जो जूना पुराना वाला जो 12% पे था, अब हम उसको कितने पे मान लेंगे, 15% पे मान लेंगे। अब हमको डिबेंचर की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो टोटल फेस वैल्यू कितना देख लीजिए यहाँ पर 100 रुपीज है, और 100 ही होता है, तो अब उसको 100 पर एज्यूम कर लीजिए कि 15% पर ब्याज 6,000 होगा, तो 100 पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 6,000 × 100 और डिवाइड बाय 15, तो ऑटोमेटिक आपको न्यू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमारा डिबेंचर बन जाएगा 40,000 का। अब 40,000 आप 15% निकालोगे ना तो भी आपको 6,000 ही देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ गए। यही काम हमको अगेन करना है सरिता के लिए, तो सरिता के डिबेंचर की अमाउंट चेक कर लीजिए कितनी दी गई, 35,000 दी गई है। तो सेम इंटरेस्ट ब्याज निकाल लीजिए पहले, तो 35,000 का वही 12% ओल्ड वाला, तो उसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 4,200 आ रहा है, ठीक है। अब उसको 15% में एज्यूम कर लो,
क्योंकि नया आपको 15% में बनाना है ना, तो 15% के सामने 4200 होगा, तो 100 पे न्यू वैल्यू कितनी होगी? तो वही सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनटू में 100 और डिवाइड में 15, तो ये हमारा उसका न्यू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 28,000। थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, इसके लिए फटाफट ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए क्योंकि मुझे दोनों मेथड आज के वीडियो में कवर करनी है। तो दोनों की वैल्यू फाइनल होगी डिबेंचर के, आई होप आप समझ गए होंगे। दोबारा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो, वरना मुझे कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया वो इक्विटी का दिया गया, ध्यान से पढ़ता हूं समझिएगा। संगम लिमिटेड जो न्यू कंपनी बन रही है वो संगम लिमिटेड ऑफर कर रही है, इश्यू कर रही है 4 इक्विटी शेयर, 4 इक्विटी शेयर दे रही है फॉर ईच 3 इक्विटी शेयर ऑफ सागर। सागर की 3 इक्विटी के सामने 4 इक्विटी शेयर दे रही है, गुजराती में भी समझ लीजिएगा, समझ गए होंगे ठीक है, 3 ना बदलामा 4। तो सागर लिमिटेड के 3 शेयर और उसके सामने संगम न्यू कंपनी दे रही 4, जबकि दूसरे के लिए क्या हो रहा है 3 इक्विटी शेयर फॉर ईच 4 इक्विटी शेयर ऑफ सरिता। यहाँ सरिता के 4 इक्विटी शेयर के सामने वो 3 ही दे रही है। अब देखिए हम लोग को क्या आगे प्राइस दिया गया, शेयर का प्राइस अब कितना हो गया, 110 रुपीज हो गया, 110 रुपीज, जिसके अंदर फेस वैल्यू 100 का था तो ऊपर का 10 रुपीज प्रीमियम बन जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग सागर को देख लीजिए, सागर का 3 शेयर था और 3 के सामने 4 दे रहा है, तो हमको पहले न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे। तो कैलकुलेशन का नाम डाल लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूडी, तो पहले न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे ठीक है, नवा शेयर। तो कैसे फाइंड आउट करना है, 3 के सामने 4, आई होप ये समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सागर के 3 शेयर थे और नवी कंपनी जो संगम हो 4 दे रही है, तो सागर के टोटल शेयर कितने हैं, तो 6 लाख की अमाउंट दी गई है उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो शेयर फाइंड आउट हो जाएंगे 6000। तो 6000 पर कितने शेयर बन जाएंगे, 3 के सामने 4 है तो 6000 पे टोटल कितने हो जाएंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो आपको नए शेयर मिल जाएंगे 8000। अब आपको न्यू प्राइस दी गई है 100 तो फेस वैल्यू है बट न्यू प्राइस टोटल 110 है, तो आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है 100 का फेस वैल्यू बना दीजिए और 10 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम बना दीजिए, या फिर आप साथ में भी ऐसे डायरेक्ट 110 कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि आखिर में जाकर आपको ऐड करना ही होता है, तो आप पर डिपेंड, आप 100 और 10 अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट अब न्यू इक्विटी शेयर हो गया 8,80,000। आई होप आप समझते जा रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और मैं चाहूंगा आप शेयर करें, और आप उन स्टूडेंट्स में से जो रेगुलर वीडियो वॉच करें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेम काम हमको करना है सरिता के लिए। यहाँ पर ऑफर कुछ अलग दिया गया, यहाँ पर 3 इक्विटी शेयर दे रहा संगम पर, 4 इक्विटी शेयर ऑफ सरिता, सरिता के 4 इक्विटी शेयर है उसके सामने 3 दे रहा है ठीक है। हमको सरिता के पहले देखने के, सरिता के 4 है उसके सामने न्यू कंपनी के देखने के, न्यू कंपनी 3 दे रही है, तो यहाँ पर सेम हमको सरिता के पहले देख लीजिए 5 लाख की अमाउंट है, डिवाइड कर लेंगे 100 तो यहाँ पर 5000 के शेयर बन जाएंगे उसके, तो 5000 के ऊपर कितने शेयर हो जाएंगे, तो 3 × 4 का डिवाइड, तो न्यू शेयर आ जाएंगे 3750 और वही अमाउंट जो वो ऑफर कर रहा है प्रीमियम के साथ 110, तो इसका न्यू अमाउंट बन गया 4,12,500 इक्विटी। दोनों का इक्विटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता जो लास्ट टॉपिक पूछा गया प्रेफरेंस का, और प्रेफरेंस का ऐसे याद है हर एक में ऐसे देखने को मिलेगा, आप 90% सब कॉल कीजिएगा, लेटेस्ट 5 यूनिवर्सिटी के पेपर आपको यही देखने मिलने वाला। देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस होल्डर का क्या है, दोनों कंपनी के लिए ऑफर दिया गया है कि वो इश्यू करेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर, नंबर तो वही रहने वाला है बट अब इसको 50% में कन्वर्ट कर देना है संगम लिमिटेड के, प्राइस में चेंजेस हो रहा है 100 रुपीज तो है बट अब वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा शेयर का प्राइस हो जाएगा, तो यहाँ पर 120 मतलब 20 रुपीज क्या हो जाएगा प्रीमियम हो जाएगा। तो पहले शेयर नंबर ऑफ शेयर देख लीजिए, शेयर की संख्या प्रेफरेंस, या 2 लाख है 2 लाख को 100 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 2000 मिल जाएगा शेयर, ये आपको समझ में आ गया 2000, और डायरेक्ट मैंने इनटू कर दिया न्यू वैल्यू से। आप चाहो तो 100 अलग करो, 20 सिक्योरिटी प्रीमियम जामिन गिनी प्रीमियम के नाम से अलग करो तो भी चलेगा, और साथ में किया इस ओके, तो 110 से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट अब न्यू वाली बन गई है प्रेफरेंस शेयर की, वो 2,40,000 हो जाएगा। ये सेम टू सेम हम दूसरे के लिए भी करेंगे, सरिता के लिए भी, उसके 1,50,000 का अमाउंट दिया गया है, 100 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे 1500, और 1500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यू प्राइस 120 से, तो ऑटोमेटिक उसका नया प्राइस, नया अमाउंट बन जाएगा 1,80,000। ये था प्रेफरेंस का, और ये हमारा कैलकुलेशन मैन हो चुका है, जो कॉमन कैलकुलेशन दोनों मेथड से पहले करना था, डिबेंचर इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस। अब यहां पर एक चीज और यहां नोट डाउन कर लीजिए, अभी के अभी ये हमारा पीसी
पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, जिसको गुजराती में बोलते खरीद कीमत। अब ये कैसे बनता है खरीद कीमत, दोनों शेयर को अमाउंट को प्लस करके, न्यू शेयर की प्राइस को प्लस करके, मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस। यहाँ पर इक्विटी 8,80,000 प्लस प्रेफरेंस 2,40,000 दोनों को ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर 11,20,000 जो बनेगा पीसी बन जाएगा, खरीद कीमत बन जाएगा, जो आगे हमको दोनों मेथड में यूज करने को मिलेगा, समझिएगा। उसके बाद इसी तरह सरिता के लिए भी पीसी निकाल लीजिए, पीसी खरीद कीमत, तो दोनों शेयर की प्राइस को प्लस कर लीजिए, अगर एक हो तो वही बन जाएगा डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर को प्लस नहीं करना है। या 4,12,500 प्लस 1,80,000 दोनों को ऐड कर लीजिए तो 5,92,500 एक्स्ट्रा पीसी खरीद कीमत बन जाएगा। आई होप ये आपने समझ लिया तो आपका काम आप हो जाएगा इजी। अब स्टार्ट करते हैं, हमको एग्जाम में दोनों मेथड यहाँ पूछा गया, बट अब क्या होने लग गया, अब दोनों एक दूसरे के और में आने लग गया कि अब मर्जर करो या तो परचेस करो, मतलब विलीनीकरण की मेथड सोल्व करो या तो खरीदी स्वरूप, क्योंकि अब टाइम कम होने लग गया इसके लिए। ये पहले 3 आवर का टाइम था, अब 2.5 आवर का हो गया, इसलिए आपको जो मेथड अच्छे से समझ में आती है उसी मेथड को अच्छे से सोल्व करना है एग्जाम में, ठीक है, दोनों में से कोई भी। मैं तो बोलूं दोनों ही इजी, ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको कौन सा माइंड में सेट हो गया। तो मैं पहले शुरू कर रहा हूँ परचेस का, ठीक है, खरीदी का शुरू कर रहा हूं। देखिएगा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज अब ध्यान से समझिए, कहीं भी स्किप नहीं करना, मैं चाहूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अब यहां पर आपको याद रखना परचेस के अंदर शॉर्टकट माइंड में याद रखिए, इस मेथड को हमको निकालना रहता है पागड़ी निकलेगा अथवा तो मुड़ी अनामत निकलेगा, ये दो चीज हमारे निकलने वाले, उसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब या तो गुडविल हमको फाइंड आउट होगी या तो हमको कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट होगा, ये दोनों में से कुछ फाइंड आउट होने वाला है, उसके लिए सारा कैलकुलेशन किया जा रहा है। उसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, टाकू सर्वे बनाने वाले हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, हम ऐसे एसवाई में सीख चुके हैं, आ चुका टॉपिक। तो पागड़ी या मुड़ी अनामत निकालने के लिए दो चीज चाहिए, दो चीज क्या चाहिए, एक तो हमको चाहिए होता नेट एसेट्स चौकी मिलकर चाहिए होता है, और दूसरा हमको चाहिए होता है खरीद कीमत, समझ रहे हो, खरीद कीमत पीसी चाहिए होता है, और पीसी खरीद कीमत हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो दिक्कत की बात नहीं है, हमने फाइंड आउट कर दिया पीसी खरीद कीमत निकल चुका है, तो वो टेंशन नहीं है। ऑनली हमको क्या निकाला है यहाँ पर, नेट एसेट्स चौकी मिलकर निकालना है, तो उसके लिए करना क्या रहता है, आप जानते ही कि एसेट्स मिलकर माइनस देवा लायबिलिटी, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमेशा अकाउंट में रहता है, आप जानते भी हो। तो स्टार्ट करते हैं दोनों की मिलकर एसेट्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सागर और सरिता की एसेट्स मिलकर दी गई है, यहाँ पर कोई भी नया एजम्पशन नहीं है कि किसी में इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, तो सारे के सारे एसेट्स मिलकर ऐसे के ऐसे सेम एडिट ले लेंगे सारे के सारे, सिर्फ याद रखिएगा नीचे जो होता है ना अवास्तविक फिक्टिटियस वो नहीं लेना होता, जो यहाँ पर नहीं दिया गया, जैसे ये प्रीमियली एक्सपेंसेस दिया होता है, डिबेंचर डिस्काउंट दिया गया होता है, मतलब गुजरात में प्राथमिक खर्चा डिबेंचर वटाव या नफा नुकसान वो नहीं लेना होता है, बाकी सारी मिलकर हम ले लेते हैं। और यहाँ प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो मैंने डायरेक्ट टोटल यूज कर लिया, टोटल यूज कर लिया 12,95,000 और इसका 9,45,500, यही का ये पूरा एसेट हमारा कंप्लीट आ जाएगा। क्यों आ रहा है आप समझ रहे हो, कोई भी चेंजेस नहीं है, आप भी ऐसा लिख सकते हो या फिर आपको एक एक नाम करके लिखना तो भी चलेगा। आई होप समझ गए ना आप लोग। अब आते हैं देवा लायबिलिटी पे, लायबिलिटी में सारे लायबिलिटी नहीं आते, लॉन्ग टर्म और हमारा करंट आता है, तो यहाँ पे दोनों शेयर नहीं आएंगे, जितने भी रिजर्व जितने भी अनामत दिए वो सारे नहीं आएंगे। अब स्टार्ट होगा डिबेंचर से, डिबेंचर क्रेडिटर लेनदार बिल्स पेबल देवी हुंडी तीनों को यहाँ पर लेंगे, पर डिबेंचर का ओल्ड प्राइस हमको यूज नहीं करना है क्योंकि डिबेंचर में हमने न्यू प्राइस फाइंड आउट किया है, तो डिबेंचर के अंदर यहाँ पर न्यू प्राइस आपको ऐड करना है इसका 40,000 का और इसका 28,000 का। तो यहाँ पर आप डिबेंचर में क्या करेंगे, न्यू प्राइस 40,000 और 28, ये आपको पता चल ही रहा होगा। आगे जो अमाउंट दी गई है क्रेडिटर लेनदार की 70 और 40, बिल पेबल देवी हुंडी 15,000 और 10,000 हमने राइट डाउन कर दिया, और ये टोटल कर दिया हमने लायबिलिटी का देवे का। अब क्या करना रहता है चौकी मिलकत के लिए, मिलकत माइनस देवा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है, दोनों के लिए सेम टू सेम कॉन्सेप्ट किया और माइनस करके हमारा इसका आएगा नेट एसेट्स चौकी मिलकत 11,50,000 और यहाँ पर आएगा 8,68,500। अब क्या कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल बना दीजिए, क्योंकि आप लोग दोनों के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक साथ में हम कैलकुलेशन करेंगे, या तो पागड़ी निकलेगा या तो मुड़ी अनुमत गुडविल या कैपिटल रिजर्व, दो बार सूत्र लगाने जरूरत नहीं, फॉर्मूला यूज नहीं कर, एक बार में कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल बना दीजिए, तो टोटल कितना हो गया 20,17,500, देख लीजिएगा आप यूज करके कैलकुलेशन।
इतना समझ में आ गया आपको, मेन काम हो चुका है। अब हम लोग को आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना आपको पता कैसे चलेगा। या तो पागड़ी गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व मूडी अनुमान आएगा। 90% तो मूडी अनुमान कैपिटल रिजर्व ही आता है, पर कैसे पता चलेगा तो एक बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। याद रखिएगा जो हमारा नेट एसेट्स होता है और हमारा पीसी होता है, मतलब हमारा चोखी मिलकत होता है और खरीद कीमत होता है। याद रखिएगा जबकि जब भी हमारा अगर ये खरीद कीमत पीसी अगर ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा मतलब बढ़ा रहे होगा, ठीक है, ज्यादा होगा मोर होगा, तो याद रखिएगा पीसी अगर ज्यादा होगा तो हमारा पागड़ी बनता है, क्या बनता है, पागड़ी गुडविल बनता है। लेकिन अगर कम है, पीसी कम है, खरीद कीमत कम है, तो हमारा मूड़ी अनामत बनता है, कैपिटल रिजर्व बनता है। तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोगों को फिर से क्या बोलना चाहता हूँ, समझ गए ना। तो यहाँ पीसी मैंने दोनों का ऐड कर लिया, दोनों का मतलब इसका जो पीसी था 11,20,000 और इसका 5,92,500, क्योंकि यहाँ पे चौकी मिलकर नेट एसेट्स भी प्लस किया ना इसके लिए, इसका भी टोटल मैंने बना दिया। दोनों प्राइस को कंपेयर कर लो, आपको पता चलेगा कौन सा सूत्र लगाना है। मतलब आपको एक लगा दो आप समझ जाओगे, माइनस में आया तो ऑपोजिट नाम दे देने का, यहाँ 20 लाख है, यहाँ 17 लाख है, समझ गए। तो आप समझ गए यहाँ पर कोई पीसी कम है, ठीक है, कम है तो ये कैपिटल रिजर्व आएगा, मूड़ी अनामत आएगा। तो फॉर्मूला भी कुछ ऐसा है, नेट एसेट्स चौकी मिलकर माइनस पीसी खरीद कीमत, या फिर आप कोई भी सूत्र लगा दो ऑपोजिट माइनस का आवे तो इसको चेंज कर देने का। बट मेरा फर्स्ट था समझाने, तो मैं समझा दिया, जब भी पीसी कम होगा तो हमारा मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व आएगा, या तो पीसी ज्यादा होगा खरीद कीमत ज्यादा होगा तो पागड़ी गुडविल आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस करके निकाल के रख दिया, तो ये जो मिला 3,05,000 मिल जाएगा, वो हमारा मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व बन जाएगा, जो हमारा बैलेंस शीट पाका सर्वे में यूज होने वाला है। आई होप आपने ये वाला कैलकुलेशन ध्यान से समझ लिया होगा, इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब आता है बैलेंस शीट की और पाकू सर्वे की और आता है, बहुत ही ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे ज्यादा ईजी बैलेंस शीट पाकू सर्वे ही होता है, करना क्या कॉपी पेस्ट ही करना। देखो कैसे समझाता हूँ, सबसे पहले मिलकर साइड आ जाओ, एसेट साइड, तो ये सबसे ज्यादा ईजी होता है, सारे की सारी अमाउंट को प्लस करते चलो, मतलब 5,00,000 + 3,00,000 = 8,000, 3 + 2 लाख नाम डाल लिख लीजिएगा, 5,00,000, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 130 और 70, 2 लाख, क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ नहीं इसके लिए, 1 लाख और 150, 2 लाख 50, 65 और 1 लाख 25,500, 1,95,500। अब आपको समझाना, यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां तक सब कौन से समझ में आ गया। अब यहां पर आ जाते हैं देवा बाजू लाइब्रेरी साइड, याद रखना न्यू अमाउंट का यूज करते रहना है। तो ये इक्विटी है, ये ओल्ड वाला नहीं लेना है इक्विटी, जो भी हमारा न्यू वाला लेना है, यहाँ पर हमने इसकी जो कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, इसका इक्विटी दिख रहे हो आप 8,80,000 और यहाँ का इक्विटी दिख रहे हो 4,12,500 दिख रहा है आपको। तो दोनों का क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, आप कर सकते हो ना ऐड, तो 8,80,000 और 4,12,500, तो ऐड करके कुछ आ जाएगा 12,92,500, दोनों का इक्विटी को ऐड किया न्यू वाला। इसी तरह आगे नाम देख लीजिए किसका दिया गया, प्रेफरेंस का ओल्ड वाला अमाउंट नहीं लिखना, जिस पे एग्जम्पशन था हवाला था, तो न्यू वाली अमाउंट यूज करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझते जाइएगा। तो यहाँ पर इसका प्रेफरेंस देख लीजिए, यहाँ 2,40,000 है इसका प्रेफरेंस, इसका प्रेफरेंस कितना है 1,80,000 है, दोनों को ऐड कर लीजिए 240 और 180, तो आप कैलकुलेट करना जानते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, तो अमाउंट आ जाएगा 4,20,000, समझ गए। बस अब आपको यहाँ समझना है अनामत रिजर्व में समझना, जितने भी नाम दिए गए, कितने नाम दिए गए, यहाँ से मैं देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट बना तो आपको समझ में आ जाए कि इतने सारे जो है यहाँ तक डिबेंचर से पहले तक, यहाँ पर ही सब माथा कुछ होती है, यहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता है। ये जो इतने रिजर्व दिए, जितने अनामत, जिसमें 3 नाम है, 1, 2, 3, 4 नाम दिए गए, अब यहाँ पर इसी को समझेगा, बाकी कुछ नहीं है कि इनमें से अनामत रिजर्व यूज करना है कि नहीं करना, मतलब आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको एक बात बता दूं, परचेस खरीदी के समय जो भी यहां पर डिसॉल्व हो रही है, जिनका विसर्जन हो रहा है, उनका कोई भी रिजर्व अनामत नहीं लिया जाता है, कोई भी रिजर्व अनामत लिया जाता नहीं है। कौन सी मेथड में, परचेस में, परचेस की मेथड में बात करो, खरीद कीमत में, जबकि उस मेथड में मर्जर में अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा ओनली के ओनली जो एग्जेम्पशन दिया गया, हवाला दिया गया ना, वही वाली रिजर्व, वही वाली अनामत लेनी होती है और कोई नहीं लेने की, और वो भी फिक्स है। कौन सी लेनी होती है, वो फिक्स है, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में लिखा स्टेटरी और गुजराती में लिखा हुआ कानूनी, जिसमें 2 नाम आते हैं, स्टेटरी
कानूनी, उसमें दो नाम आते हैं याद रखिएगा। एक आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, निकास वाला, एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकास में नफो, और दूसरा इन्वेस्टमेंट अलाउनेस, रोकाण, रोकाण वाला टॉपिक, रोकाण अनामत। ये दो को हम लोग बोलते हैं स्टेटरी, कानूनी। ये दोनों में से अगर कोई भी एक दिया हो या दोनों दिया, वो अनामत लेने के लिए बोला गया होता मेंटेन, आगे अभी भी दो साल के लिए रखा जाएगा ऐसा लिखा होता है। तो वही वाला हमको लिखने का है। तो यहाँ पर जनरल जो यूज नहीं करना, नीचे प्रॉफिट लॉस यूज नहीं करना, ये इन्वेस्टमेंट रोकाण वाला टॉपिक आएगा। 50 और 30, तो मैंने टोटल लिख दिया, दिख रहा आपको 80,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकास नो नफो 80 और 40, तो यहाँ पे आ गया 1,20,000। अब याद रखिएगा जो भी रीजन हमने यहाँ पे यूज की है, यहाँ पर जो रीजन हमको लेना पड़ा एजम्पशन के कारण, वो यहाँ पर जाकर हमारा क्या बन जाता है, जो टोटल मान लिया मैंने 80 और 120, 2 लाख हो गया, वो हमारा एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बन जाता है, संयोजन हवाला खातू बन जाता है। जो रिजर्व यहाँ पर हमको लेनी पड़ जाती है, जो अनामत लेनी पड़ती है, वो सामने जाके हवाला एडजस्टमेंट के नाम से लिखना पड़ता है खरीदी में, परचेस में। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी ये काम अब सेम टू सेम हमको लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ता हूं थोड़ा मैं, वीडियो शॉर्ट हो इसके लिए। डिबेंचर न्यू वैल्यू के साथ लिखना है, ये वाली वैल्यू नहीं लिखना। न्यू वैल्यू मतलब आपने यहां पर भी लिखी हुई देख सकते हो 40 और 28, तो 68 हो गया न्यू वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या नाम था भाई, क्रेडिटर लेंडर, सेम टू सेम 90 और 40, 1,30,000 आ जाएगा। उसके बाद दिया बिल्स पेबल, लेनी हुंडी, सेम टू सेम लिख डालीजिए, टोटल मान लीजिए 25 हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया लास्ट वैल्यू जो हमारा यहाँ पर आया है, चाहे तो पागड़ी गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व मूड़ी अनामत आएगा, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व मूड़ी अनामत निकला है 3,05,000, उसको बैलेंस शीट पाकू सूर्य में लिख लीजिए। पागड़ी हो तो आपको मिलकर गुडविल यहाँ पे एसेट साइड लिखने का, कैपिटल रिजर्व आपको देवा साइड, मूड़ी अनामत आपको लायबिलिटी साइड लिखना है, जो 3,05,000 मैंने ऐड कर दिया कैपिटल रिजर्व मूड़ी अनामत के नाम से। अब आप टोटल मान लीजिए आपको दोनों का सेम मिल जाएगा, बट ये अमाउंट नहीं भूलिएगा, यहाँ जो रिजर्व जो अनामत लिखी है वो सामने एडजस्टमेंट हवाला बन जाता है खरीदी के अंदर, परचेस मेथड के अंदर। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा ही। प्लीज एक बार ध्यान से रिफर कर लीजिए, एक बार वापस लीजिए, आपको एग्जाम में कोई एक ही मेथड करनी रहती है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं। मोस्ट ऑफ ऐसा होता ही है, अब होगा क्योंकि टाइम कम हो गया इसके लिए पेपर का, ठीक है। तो आई होप ये समझ गया। आता हूं मैं सेकंड मेथड की ओर, बड़े वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आज की वीडियो से काम पूरा हो जाए, सेकंड वीडियो मुझे बनाना ना पड़े इसके लिए। आते सेकंड मेथड के अंदर, यहां तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, जिससे मानी चले और जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड का नाम है मर्जर, विलीनीकरण। ये भी मेथड बहुत इजी होती है, बस माइंड में सेट होनी चाहिए आपकी, इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो आप चाहो ना सब कुछ ही कैलकुलेशन कैलसी में ही हो जाता है, इतना इजी होता है, बस समझ में आना चाहिए। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। मर्जर विलीनीकरण, इसमें आपको एक चीज याद रखने का, जैसे आपने इसमें क्या याद किया था, पागड़ी मूड़ी अनामत गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा, तो इसमें क्या याद रखने का होता है, इसमें आपको जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब सामान्य अनामत और आपको याद रखने का नफा नुकसान खाता। अब इसका क्या मतलब है समझ में अभी आएगा। आपको क्या करने का होता है इसमें, आपको यहाँ पर आपने जितने का न्यू वैल्यू फाइंड आउट किया है, यहाँ देखो डिबेंचर इक्विटी और हमारा प्रेफरेंस, जिनका न्यू वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है और ऑलरेडी ओल्ड वैल्यू दिया गया, उनके बीच का आपको निकालना था डिफरेंस, निकालना था क्या निकालना रहता है, डिफरेंस तफावत निकालना पड़ता है। क्यों निकालना है कि देखना होता है कि हमने पैसा ज्यादा दिया, हमने जो न्यू कंपनी संगम उसने पैसा ज्यादा दिया कि कम दिया है। अगर ज्यादा दिया है ना तो इस अमाउंट में से कट करना पड़ता है, ज्यादा देने पर अगर उन्होंने पैसा ज्यादा दे दिया न्यू वाला तो इन अनामत इन रिजर्व में से पैसा कम हो जाता है, लेकिन उन्होंने कम दिया है तो जितना फायदा हुआ है इन अनामत में। देखिए हम प्रैक्टिकल समझते हैं, तो पहले हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेशन इक्विटी प्रेफरेंस का किया था, तो उसको ऐड कर लेता हूं। यहां पर पहले ओल्ड वैल्यू को ऐड कीजिए, ओल्ड वाली वैल्यू को ऐड कर लीजिए। तो देखिए ओल्ड वैल्यू ऐड करता हूं, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस 6,00,000, 5,00,000, 2,00,000 और 150, राइट डाउन कर दिया मैंने यहाँ पर, टोटल 8,00,000 और 6,50,000 हो गया। और उसकी न्यू वैल्यू जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, जिसको मैंने शॉर्टकट में पीसी खरीद कीमत के नाम से लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों को प्लस करके ही हमने यहाँ पर बनाया था न्यू वैल्यू। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर इक्विटी का 880 और प्रेफरेंस का 240, तो प्लस करके 11,20,000। इसी तरह यहाँ पर भी इक्विटी और प्रेफरेंस को दोनों को प्लस करके 5,92,500, ये न्यू प्राइस ही है ना, एक एक करके अलग लिखो तो भी चलेगा, पर हमने प्लस किया हुआ है तो डायरेक्ट लिख लीजिए ना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको, माइनस करना है, 8,00,000 था ओल्ड वाला और न्यू वाला 11,20,000 था, तो ऑटोमेटिक माइनस का आया। यहाँ पर 6,50,000 था और यहाँ 5,92,500 था, तो यहाँ प्लस में आया।
तो ये दोनों को एक कर दीजिए, कंबाइंड कर लीजिए, ठीक है, माइनस प्लस या माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है, दोनों माइनस माइनस होंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, माइनस प्लस करके जो भी आप देख लीजिए टोटल के अंदर माइनस का अभी भी होगा 2,62,500 रहेगा। ये हमारा डिफरेंस के नाम से समझना, आपको तफावत के नाम से आपको समझना है, जो रिजर्व में जाके कुछ ना कुछ होगा अभी आगे पता चलेगा। अब सेम इसी डिबेंचर का भी निकाल लीजिए, क्यों डिबेंचर का भी हमने न्यू वैल्यू फाइंड आउट किया था, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जो डिबेंचर का 50 और 35 है, और हमारा न्यू वैल्यू आप जानते हैं 40 और 28, जो हमने कैलकुलेशन किया था स्टार्टिंग के अंदर 40 और 28, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस का 10 मिला या प्लस का 7, तो टोटल कितना हो गया 17 हो गया डिफरेंस। तो ये दो डिफरेंस का अमाउंट का ध्यान लीजिएगा, एक यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस का मिलाकर माइनस में 2,62,500 और डिबेंचर का मिलाकर प्लस में 17 आएगा। अब आपको क्या करना है प्लीज अब समझिएगा, अब हमारा काम पूरा होने वाला है। सबसे मेन तो सबसे पहले आप अमाउंट यूज क्या करेंगे, किसकी यूज करेंगे, रिजर्व अनामत में जनरल रिजर्व सामान्य अनामत की यूज करेंगे, तो आप उठा लीजिए अमाउंट यहाँ बैलेंस शीट में से जनरल रिजर्व सामान्य अनामत 150 और 1,00,000, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 250 हो गया, दिख रहा है आपको। अब उसमें से चालू कर लीजिए डिफरेंस को रिड्यूस करना, माइनस करना, माइनस का तो माइनस होगा, प्लस का तो प्लस करना, कुछ नहीं समझना और इसके अलावा। तो सबसे पहले जो डिफरेंस आया था इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस का माइनस में आया था 2,62,500, तो यहां पर मैं माइनस करने जा रहा हूं, आप देख रहे हैं माइनस कर रहा हूं, तो 250 में से माइनस करने के बाद भी अभी भी माइनस का इतना डिफरेंस रह जाएगा, ये रिजर्व पूरा खत्म हो चुका है, 250 माइनस कर दिया, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, नील हो चुका है जनरल रिजर्व सामान्य नंबर, अभी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा, पूरा का पूरा पैसा यूज हो गया है, तो अभी भी माइनस का 12,500 बचा है। तो अब सेकंड रिजर्व कौन सा यूज करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला सेकंड रिजर्व कौन सा यूज करना है, पीएनएल नफा नुकसान का यूज करना रहेगा, तो बैलेंस शीट में उठा लो, अब यहां पर देख लीजिए नफा नुकसान पीएनएल का अकाउंट 60 और 40,500, तो दोनों को ऐड किया मैंने, आ देख लो पीएनएल का नफा नुकसान का टोटल अमाउंट हो गया 1,05,000 का। अब पहले ये वाला डिफरेंस अभी भी बाकी रह गया, तो वो पहले माइनस कर लीजिए, दिख रहा है आपको 12,500 का माइनस किया, अब इसका इतना अमाउंट बचा है, ये अभी पीएनएल का ही बचा है, ठीक है। अब हमको सेकंड डिफरेंस का आना, जो डिबेंचर का मैंने निकाला था, ये क्या है, प्लस का है, माइनस का नहीं है, प्लस का तो आपको ऐड करना है, माइनस का हो तो माइनस करना है, तो इसमें प्लस करके न्यू अमाउंट पीएनएल की इंक्रीज होकर आ जाएगी 1,05,000, जो हमारा नफा नुकसान न्यू अकाउंट जब बैलेंस शीट का बनाएंगे तो पीएनएल के अकाउंट आपको इतनी अमाउंट लिखनी रहेगी, क्योंकि अमाउंट प्लस करनी पड़ी और अमाउंट अभी भी बची हमारे पास इसके लिए। अगर ऐसा कुछ होता, समझो कि पूरा माइनस करने के बाद भी ये पैसा भी खत्म हो जाता, पीएनएल का भी नील हो जाता और माइनस का बचता, तो आपको पीएनएल का लिखने का यहाँ पर मिलकर एसेट साइड लिखने का, बस इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं है। देख लीजिए दोनों के दोनों डिफरेंस को हमने माइनस कर लिया है और ये प्लस का था इसलिए हमने प्लस कर दिया, तो ये न्यू पीएनएल का अमाउंट हमको मिला, जनरल रिजर्व सामान्य नंबर नील हो चुका है। आते हैं बैलेंस शीट की ओर, तो मैं बोलना चाहूंगा ये वाली बैलेंस शीट और वो बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं, इतना अमाउंट सेम टू सेम हमने कॉपी किया, देख रहे हो इतना का इतना मैंने कॉपी करके ही रख दिया है, एडजस्टमेंट हवाला को छोड़कर पूरा का पूरा मैंने यहाँ कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ओल्ड वाले से हम लोग लिख रहे हैं, देख रहे हो मिलकर साइड, यही आपको अमाउंट कॉपी कर देना फटाफट फटाफट, ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पर वापस देवा बाजू लाइब्रेरी, तो सेम काम करना, इक्विटी तो इक्विटी की न्यू अमाउंट आपको ऐड करनी है, जो आपको जानते हो 12,92,500 आया था अभी का अभी, आपने यहाँ से समझ लिया होगा यही का ही आया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से आते हैं नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट अमाउंट कितना था यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा स्पीड में समझा रहा फिर भी, प्रेफरेंस तो उसकी भी न्यू अमाउंट यहाँ पर ऐड करना है 4,20,000, जो आप यहाँ से भी समझ सकते हो 4,20,000। अब समझिएगा जब रिजर्व का टॉपिक आया ना, ये यहाँ पर इसी में समझना है, परचेज खरीदे में कोई भी रिजर्व आती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारा रिजर्व आता है, सारा अनामत आता है, बट जो हमने यूज कर लिया जनरल रिजर्व पीएनएल उनका न्यू अमाउंट आएगा, जो बचा है वो आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, जनरल रिजर्व पहला नाम दिया सामान्य नंबर, तो इसका पैसा पूरा यूज हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, ये अकाउंट नील हो गया, तो है जनरल रिजर्व मैंने नहीं लिखा, नील हो चुका है। उसके बाद का अमाउंट क्या था, इन्वेस्टमेंट रोकन सेम इट इज लिखना है 50 और 30 80,000। उसके बाद दिया एक्सपोर्ट निकास वाला 80 और 40, सेम लिखना है 1,20,000। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का भी लिखना है, लेकिन ओल्ड वाला नहीं लिखना है आपको, ये जो न्यू पैसा बचा है ना, ये न्यू वाला प्लस माइनस करने के बाद 1,05,000 वो हमको पीएनएल में लिखना है, ये सबसे मेन था और कुछ नहीं था सब इसके अंदर, समझ गए यहाँ पर। उसके बाद तो यही डिबेंचर का 70 हमको न्यू अमाउंट जो हमने प्लस किया था 68,000 आएगा, क्रेडिट लेनदार का 90 और 40 1,30,000 आएगा, और यहाँ 15 और 10
25 आएगा बस और कुछ नहीं, दोनों का टोटल मान लीजिए इक्वल हो जाएगा। देखिए इन दोनों के बैलेंस शीट में कितना फर्क है, आपको यहाँ का बैलेंस शीट में देखो 24,45 हमने डाला क्योंकि 2 लाख यहाँ पर आ चुका था और 2 लाख नहीं आया यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर 22,40,500 आया, इतना सा है यहाँ पर। बस जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस का क्या हुआ वो समझना है और इस मेथड के अंदर कौन सी रिजर्व को हमने लिखा है और सामने हवाला एडजस्टमेंट बनाया वो समझना है, बाकी काम तो बहुत ईजी है। दोनों मेथड को मैंने आज के वीडियो में कवर कर लिया है, आई होप आज से आपको ये चैप्टर कंप्लीट आ चुका होगा, जो मेथड मोस्ट ऑफ एग्जाम में आती है वो मैंने कवर कर ली है। तो अब फिर भी कुछ चाहते हो इस चैप्टर के अंदर तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि अब कुछ दिन ही बचे तो मैं उसमें कुछ ना कुछ खास टॉपिक को ही चलाना चाहूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सबसे मेन मैं बोलूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे जल्दी जल्दी ग्रो हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।